अस्सलाम वालेकुम यार, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने कट और फिल सरफेस जो है वो क्रिएट कर ली थी, ठीक है। अभी जो हमारी बाकी है वो इस सरफेस की विजुअलाइजेशन और इसका सेक्शन वो कैसे ले सकते हैं वो बाकी है। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि इनको कैसे करना है, हम इस विजुअलाइजेशन को कैसे बेहतर कर सकते हैं और यहाँ पे सेक्शन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारे पास एक रफ अलाइनमेंट ऑलरेडी अलाइनमेंट इसमें ड्राइंग में मौजूद है, ठीक है। आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। तो ये मेरे पास एक अलाइनमेंट है इसमें, ओके। लेबल वगैरह मैंने इस पर कोई नहीं लगाए हुए। तो यहाँ पे ऐसे ही एक सैम्पल लाइन क्रिएट कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे स्वेथ फिट पूछा जा रहा है मुझको, तो मैं इसको रफली जो है वो डायमेंशन इंटर कर देता हूँ। कम ज़्यादा होगा तो बाद में हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सैंपल लाइन आ गई है। यहाँ पे हम इस पर एक सेक्शन व्यू क्रिएट कर लेते हैं। तो सेक्शन व्यू के लिए जो है मेरे पास ये सेक्शन व्यू है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ओके। और यहाँ पे फिर नेक्स्ट करना है और इसमें सरफस में जो है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें तो भी ठीक है, ना करें तो भी ठीक है। हमारे पास ऑलरेडी सर्फसेज हैं इसमें, तो मैं इसको सिलेक्ट नहीं कर रहा और यहाँ पे आके मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ जो है हमारे पास एग्जिस्टिंग सर्फस सैंपल लाइन में थी, इसलिए वही आई है। तो सैंपल लाइन ऑलरेडी हमारी सिलेक्टेड है। यहाँ सैंपल मोर सोर्स पर आप क्लिक करें और ये जो ऐड नहीं हुए इसमें ये इनको आप यहाँ पर ऐड कर दें, ठीक है। और इनके जो सरफेस स्टाइल वगैरह हैं वो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिल है तो ये मैं फिल सेक्शन दे रहा हूँ इसको, और यहाँ पे कट है तो ये ऑलरेडी स्टाइल बने हुए हैं मेरे पास, तो मैं इसको स्टाइल दिया मैंने। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये ऑलरेडी इसमें अपडेट हो गए हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन था, ठीक है, ये हमारा सेक्शन बन गया है। आप सैंपल लाइन को किसी भी स्टेशन पे मूव करके आप अपने सेक्शन का सेक्शन व्यू ले सकते हैं। तो मैं इसको सेव करता हूँ, ओके, ठीक हो गया। अभी यहाँ पे जो है कट मटेरियल हमारी सरफेस के ऊपर ही पड़ा है अभी, तो इसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं हम यही देखेंगे। तो अगर आप इसमें बाउंड्री ऐड कर दें तो भी ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। मगर इसी सरफेस में अगर आप बाउंड्री ऐड करेंगे तो आपके ये सेक्शन के ऊपर से OGL की लाइन जो है वो चली जाएगी जहाँ पे आप इसको हाइड करेंगे। तो इसके लिए कि आपने क्या करना है, आपने एक न्यू सरफेस बना लेनी है, ओके, और इसको आपने दे देना है नाम, दे देना है आपने इसको मॉडल एग्जिस्टिंग ग्राउंड, ओके। और यहाँ पर आपने इसका जो स्टाइल है वो नॉर्मल जो भी स्टाइल है आप इसको रख सकते हैं, ओके, और ओके कर देना है। यहाँ पे भी आपने इसको एक्सपेंड करना है और ये हमारी मॉडल ईजी है। और यहाँ पे हमने क्या करना है, एडिट में जाना है, पेस्ट सरफेस में जाना है और यहाँ पे हमने अपनी एग्जिस्टिंग ग्राउंड को पेस्ट कर देना है, ओके। ये एग्जिस्टिंग ग्राउंड हमारी यहाँ पे पेस्ट हो गई है, ठीक हो गया। अभी यहाँ पे ये जो है ओरिजिनल एग्जिस्टिंग ग्राउंड थी, इसको हमने क्या करना है, बॉर्डर ऑन पे कर देना है, ओके, या नो डिस्प्ले पे भी करके देख लें आप, अप्लाई, ओके, ठीक हो गया। तो अभी क्या है, ये वाली सरफेस है हमारे पास जो अभी आ रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये मॉडल ईजी है। तो यहाँ पे हमने जाना है मॉडल ईजी में और डेफिनेशन में जाना है। यहाँ पे ये बाउंड्री है, यहाँ पे हमने इसमें एक बाउंड्री का हाइड, बाउंड्री हाइड ऐड करना है, ओके। और यहाँ पे ये जो है हमारा, ओके, एंटर, ठीक हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारी विजुअलाइजेशन जो है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हो गई है अभी। तो अभी हम इसका जो व्यू है वो भी चेक कर लेते हैं ऑब्जेक्ट व्यूवर में, ओके। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है
हमने सारे काम जो है इसमें करके देख लिए हैं कि क्या क्या हम इसमें कर सकते थे। ओके, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो सीरीज बड़ी पसंद आई होगी। ठीक है, तो फिर एक दफ़ा रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दिया करें, इससे मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कोई चीज़ रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको अपडेट करूँ। ओके।